हेलो फ्रेंड, आज हम बनाने वाले हैं बहुत टेस्टी मिठाई जिसको हम बिना गैस जलाए बनाएंगे। और ना ही हम इसमें मिल्क का यूज़ करने वाले हैं और ना ही मावा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए देखिए, हमने यहाँ पर पनीर ले लिया है। ये 100 ग्राम पनीर है। तो पनीर को हम इस तरीके से देखिए मसलते हुए एकदम सॉफ्ट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, हाथों से अच्छे से हम मसलते हुए इसको सॉफ्ट कर लेंगे एकदम। इसमें बिल्कुल भी मोटे टुकड़े नहीं रहने चाहिए। तो देखिए, हमने पनीर को एकदम सॉफ्ट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए, हमने आधा कप मिल्क पाउडर ले लिया है। फ्रेंड, ये मिठाई खाने में इतनी टेस्टी लगती है, और जितनी टेस्टी ये खाने में लगती है उससे कहीं ज़्यादा आसान है इसको बनाना। तो देखिए, हम मिल्क पाउडर को एकदम अच्छे से हम पनीर में मिक्स कर लेंगे। तो इसमें हम ना ही घी का यूज़ करने वाले हैं और ना ही हम इसमें मिल्क का यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, इसको जब हम इस तरीके से मिक्स करेंगे तो ये अपने आप एकदम सॉफ्ट होने लगेगा। ये एकदम मावे के जैसा हो जाएगा, जैसे कि मावा होता है। तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हो गया है ये। तो ये देखिए फ्रेंड, कितना सॉफ्ट हो गया है ये। तो इसको हम एकदम अच्छे से मसलते हुए मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमने आधा कप से भी कम बूरा ले लिया है। फ्रेंड, आप इसमें चीनी का यूज़ भी कर सकते हैं अगर आपके पास बूरा नहीं है। तो चीनी को आप मिक्सी के जार में डालकर उसका पाउडर बना लीजिए एकदम फाइन, और उसको छान कर इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हाथों से मसलते हुए एकदम चिकना कर लेंगे इसको। तो देखिए फ्रेंड, इसको हमने एकदम चिकना कर लिया है। अब देखिए, इस तरीके से हम इसके चार भाग कर लेंगे। और उसके बाद हम इसके एक भाग में, तो देखिए हमने यहाँ पर एक पिंच येलो फूड कलर ले लिया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया है। तो चलिए अब मिठाई बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमने वाइट वाला पार्ट लिया है उसको अलग रख लेंगे और येलो वाले को अलग रख लेंगे। अब देखिए, इसके छोटे छोटे बॉल बना लेंगे हम। इसकी हमने देखिए छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ ली हैं। और तो देखिए, इनको रोल करते हुए हम गोल कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए, इन सभी को हम गोल कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ पर सभी को बना लिया है और ये 9 छोटी छोटी बॉल बनाकर हमने तैयार कर ली हैं। अब यहाँ पर देखिए, हम वाइट वाला जो मिक्सचर है, तो इस वाइट वाले पार्ट को लेंगे और इसकी छोटी सी इस तरीके से लोई बनाएंगे। और ये देखिए, इस तरीके से इसको हल्का सा बड़ा कर लेंगे हथेली पे। तो इसको हल्का सा हथेली पे बड़ा करने के बाद इसमें बीच में हम येलो वाली बॉल रख लेंगे और इस तरीके से इसको बंद कर लेंगे। बस अब इसको हम रोल कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, बना लिया है हमने इसको। इसी तरीके से और भी बना लेंगे। अगर ये आपके हाथ पे चिपकता है तो आप पहले घी लगा लीजिए थोड़ा। और अब देखिए, हम इसको इस तरीके से बंद कर लेंगे।
तो येलो वाला पेड़ा रखने के बाद इसको हम देखिए अच्छे से कवर कर लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने इसको इस तरीके का शेप दिया है जिससे कि एकदम हलवाई की जैसी मिठाई लगती है। तो चलिए इसी तरीके से हम सभी को बना करके तैयार कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ पर सारे पीसेस बनाकर तैयार कर लिए हैं मिठाई के। तो यहाँ पर हमने इस पे सिल्वर वाला वर्क लगा दिया है, इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसको लगाने से ये एकदम हलवाई की जैसी लगती हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमने पिस्ता ले लिया है बारीक कट कर कर, ऊपर से लगा देंगे इसको। आप इसमें अपने पसंद के ड्राई फ्रूट कोई भी लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद है या जो भी आपके पास घर में है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमने इस पे पिस्ता लगा दिए हैं। तो देखिए, एक आपको मैं कट कर कर दिखाती हूँ। तैयार है यहाँ पर टेस्टी मिठाई बनकर। तो देखिए, हमने सभी को कट कर लिया है, और ये देखिए मैं आपको एक तोड़कर दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट बने हैं ये। ये देखिए फ्रेंड, तो आपको तोड़ने से ही पता चल रहा होगा कि कितनी सॉफ्ट मिठाई बनी है ये। तो फ्रेंड, इसमें हमने गैस का बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, और बिना मावा, बिना मिल्क और बिना घी के इसको हमने बनाया है। आप जब इसको एक बार बनाकर खाएंगे तो ये बिल्कुल ऐसी नहीं लगेगी कि आपने इसमें मावे का यूज़ नहीं किया है। ये इतनी टेस्टी लगती है खाने में। तो आप भी इस तरीके से इस मिठाई को बनाइए और खाइए। और फ्रेंड, हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और वीडियो अगर अच्छा लगा है आपको तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।